हेलो यूट्यूब फैमिली, माय नेम इज़ गैरी एंड आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फिटनेस चैनल फिट फ्लेक्स टीवी। तो गाइज़, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे अपनी कैलरीज को कंट्रोल करें, तो आज कि कैसे आप अपनी कैलरीज को मेंटेन रखेंगे, मेंटेन करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपका BMR होना चाहिए और कैसे उसको कैलकुलेट करना है और कितनी कैलरीज आपको कंज्यूम करनी है दिन के अंदर, और अगर आप वेट लॉस कर रहे हो या वेट गेन कर रहे हो तो क्या कैसे करेंगे उस सबको मैनेज। तो गाइज़, वही आज का टॉपिक है कि हाउ मच कैलरी यू शुड कंज्यूम टू गेन वेट और लूज़ वेट। तो गाइस, पहले आपको आपको BMR निकालना है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, BMR का वैसे फॉर्मूला भी होता है पर BMR के फॉर्मूले पे ना जाएं। आप कोई भी कैलकुलेटर अपने स्मार्टफोन पे डाउनलोड करें, आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा कोई भी कैलकुलेटर, BMR कैलकुलेटर, तो वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद गाइज, जो आपका BMR, जैसे BMR आप निकालेंगे अपना, तो आपका BMR जैसे कि मान लीजिए 2500 आ गया, 2500 आपका BMR है। ओके, तो आपको उसको इंटू करना है अपने एक्टिविटी लेवल के साथ। आपका एक्टिविटी लेवल जो होगा, अगर अगर आपने BMR निकाला है प्ले स्टोर से, कई कई जगह पे क्या होता है उसमें एक्टिविटी लेवल के हिसाब से आ जाता है पूरा, किसी किसी में नहीं आता। तो क्या होता है, अगर आप उसमें दे रखा है खाली BMR, अगर एक्टिविटी लेवल के साथ हिसाब से आ गया है पूरा तो ठीक है, अगर नहीं आया है तो क्या करना है आपका, खाली BMR आया है अगर उसमें एक्टिविटी लेवल पूछा है तो ठीक है, अगर नहीं पूछा है तो आप क्या करेंगे, जो भी आपका कैलकुलेशन निकलेगा उसको आपको इंटू करना है वन। जैसे नो, अगर आप एक्सरसाइज आपका लेवल देखना है, आपका आपको अपना एक्सरसाइज लेवल देखना है क्या होना चाहिए, एक्टिविटी लेवल आपका क्या होना चाहिए। एक्टिविटी लेवल आपका अगर कम है, नो एक्सरसाइज है, तो आपको 1.2 से इंटू करना है उसको। अगर आपका एक्टिविटी लेवल आपको लगता है लाइट एक्सरसाइज है आपकी, आप कम एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा लाइट एक्सरसाइज करते हैं या फिर थोड़ा चलते फिरते हैं, खाली वॉक करते हैं, तो आपको 1.375 से इंटू करना है उसको, उसको मल्टीप्लाई करना है। एंड अगर आपको लगता है आपको मॉडरेट एक्सरसाइज आप करते हैं दिन के अंदर, लाइक 3 से 4 दिन आप एक्सरसाइज करते हैं हल्की फुल्की, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा मॉडरेट लेवल पे, तो आप 1.55 से उसे इंटू कर सकते हैं, आप मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर आप हैवी वर्कआउट करते हैं, 6 से 7 डेज अगर आप वर्कआउट करते हैं गाइज, तो आप उससे कैलकुलेट करेंगे 1.725 से आप उसको इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कैलरीज आपकी आएगी लाइक आपकी कैलरीज यहाँ पे आपकी कैलकुलेट होकर आई है 3875 कैलरीज। ओके, और अगर आपको फिर आपको अगर आपको क्या करना है, वेट लॉस करना है, तो आप क्या करेंगे, जो आपकी कैलरीज यहाँ से आई होंगी, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पे मेरी कैलरीज अगर निकली हैं 3875 कैलकुलेशन के बाद, तो उसमें से आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 500 कैलरीज। जब 500 कैलरीज माइनस करेंगे तो क्या करेंगे आप, आपको एक दिन के अंदर जो आपका कैलकुलेशन निकलेगा, लाइक ये आपका कैलकुलेशन आया 3375 कैलरी, 3300 ले लीजिए इसको, ठीक है, तो ये कैलरीज आपकी आ गई। तो जब 500 कैलरीज माइनस करेंगे तो इतनी कैलरीज आपको इन अ डे, एक दिन के अंदर कंज्यूम करनी है। जब आप इतनी कैलरीज कंज्यूम करेंगे एक दिन के अंदर, तो आप क्या करेंगे, आपका रिजल्ट होगा आप 1 पाउंड वेट पर वीक लूज करेंगे, 1 पाउंड वेट पर वीक जो लूज करेंगे। इसका मतलब ये है कि 3500 कैलरीज जो आपके एक हफ्ते की बनती हैं, उतनी कैलरीज आप नहीं खाएंगे, नहीं लेंगे टोटल कैलरीज, तो आपका रिजल्ट निकलेगा 1 पाउंड वेट पर वीक आप लूज करेंगे। इस हिसाब से आपका वेट गेन का है फॉर्मूला। वेट गेन में भी हो गया आपसे गाइस, इस हिसाब से हमको क्या करना है, अगर वेट गेन करना है अपना, तो हम क्या करेंगे, कैलरीज को सरप्लस करेंगे, 500 कैलरीज हमें प्लस करनी पड़ेगी। लाइक जैसे कि एग्जांपल, हमने 3000 कैलरीज हमारा आया है, तो हमें 500 कैलरीज को इसमें प्लस करना है, तो हमारा टोटल आ जाएगा 3500 कैलरीज। तो इतनी कैलरीज हमें कंज्यूम करनी है तब जाके हम वेट गेन करेंगे या वेट गेन करेंगे या मसल गेन का हमारा जो भी गोल होगा वो पूरा होगा, ठीक है, मसल गेनिंग का या वेट गेन का। 3500 कैलरीज हमें कंज्यूम करनी है, उसको फिर हमने क्या करना है, उसमें क्या करेंगे हम, फिर हमारा रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 1 पाउंड वेट पर वीक हमारा क्या होगा, गेन होगा, ठीक है। तो गाइज, ये साहब ये आपको याद रखना है, इसके अकॉर्डिंग ये था आज का, तो गाइज ये था आज का सारा टॉपिक हमारा, कैसे हमें, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, कैसे कंज्यूम करना है, क्या करना है, कितनी कैलरीज कम करनी है। तो गाइज, नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा इसका सेकंड पार्ट, जिसमें आपको बताऊँगा कैलरीज को कैसे मैक्रोज में हमें डिवाइड करना है, मैक्रोज जाने की आपके हो गए कार्ब्स, फैट एंड प्रोटीन, इसमें कैसे डिवाइड करना है वो नेक्स्ट वीडियो में। सपोर्ट करें चैनल को और लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले, कमेंट करके मुझे बताएं आगे क्या टॉपिक चाहिए और क्या इसमें आपको समझ नहीं आया, कुछ समझ ना आया तो पीछे नीचे कमेंट जरूर करें, और मिलते रहेंगी, प्लीज़ बेल को जरूर दबा दें, घंटे को जरूर दबा दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को जल्द ही। तो चलिए, टिल देन सी यू, बाय, टेक केयर।